नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के आदिल भट्टी साहब इधर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो आरज़ू और हुमा केस के बारे में क्या कहना चाहती हैं। दो क्रिश्चियन बेटियां जो कम उम्र हैं और उनको जबरी तब्दीली की गई और उनके साथ मैरिज की गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जीसस लाइव टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और सबकी तरह एक ही बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो या लड़का हो, उसको अपने फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ अपना चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान और अपना सीएम साहब, उनसे अपील करता हूं और ख़ास तौर पर जो असम्बली में हमारे स्पीकर साहिबान बैठे हुए हैं, उनसे अपील करता हूं कि लिहाजा कोशिश करें कि कोई ऐसा आयन, ऐसा कानून बनाएं कि जो कोर्ट में हमारा अपना बेंच हमारे लिए वो बैठे। अगर कोई लड़का या लड़की कम उम्र हो या बालिग हो, अगर कोर्ट मैरिज करने आता है तो वो हमारे बेंच पे आए, उसकी उम्र को देखते हुए उसकी वेरिफिकेशन की जाए, तो उसका निकाह हमारे लोग अपने तरीके से कर पाए। और मैं ये बोलूँगा कि जो हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे चर्चे से प्रॉपर्टी बचाओ तरीके इंसाफ, दूसरा सीपीए, और जैसे अभी मेरी है क्रिश्चियन एक्शन पार्टी, मैं कहता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन होने चाहिए, ना कि हम आज़ाद खड़े हों ना हम किसी पार्टी के थ्रू खड़े हों, क्योंकि हमें असम्बली में अपने सेनेटर बिठाने का खुद को हक होना चाहिए, मिनिस्टर बनाने का खुद हक होना चाहिए, क्योंकि हमारे मिनिस्टर भी अपने सर पे वो सीट पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर उनकी पार्टी का इख्तियार होता है, क्योंकि जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं वो सारे पार्टी को ले कर चलते हैं, क्योंकि जैसा पार्टी कहती है वैसा वो चलते हैं, अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं आज तक किया। और मैं इस पर पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जो हकूमत, जो रियासत है, ये इस पर गौर करें और इस पर कोई कमल और धर्म करें। शुक्रिया।